मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे टिल्ट करना, देखिए यहाँ पे ऐसा मुकुट जैसा लगता है, ये आंखें लगती है, ये मूंछ लगती है, जो मुकुट होता है ना, और उनके हाथों में चोट आप देख सकते हो, प्लास्टर लगा है सिस्टर के हाथ में, थोड़ी गोविंद घाट में ही चोट लगी, उसके बावजूद भी दर्शन के लिए आए, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत प्रणाम है श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से। और भाई आजकल जो मौसम है इतना सुहावना रह रहा है, 8 बज चुके हैं और अभी हम निकले हैं अपने काम के लिए, फोटोग्राफी के लिए, और मौसम बढ़िया है, मतलब गर्माहट आ रही है। तो जैसे अभी मैंने जैकेट पहना है ना, ये भी अभी ऐसा लगता है कि पहनने की आवश्यकता नहीं है, बट पहना है कोई बात नहीं, अगर 2 बादल आ जाते तो ठंडा भी उसी हिसाब से होता है। फिलहाल निकलते हैं कार्य पे और संगत है, तो भाई 7:30 बजे से पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे तू वैसे बन जाया सतगुरु है बोलता। तो भाई अभी मैं सबसे पहले पी रहा हूँ चाय, आजकल चाय पी रहा हूँ, आजकल ठीक हो रहा है मौसम, तो भाई पच भी रही है चाय, नहीं तो पूरे होठ फट जाते थे गर्मा गर्म चाय से, तो आजकल चाय थोड़ी थोड़ी सुबह शाम पी रहे हैं। अभी मौसम कुछ यहाँ पे आपको दिख रही होगी धूप, लेकिन किसी का कहना है कि गोविंद घाट में जो है ना बारिश हो रही है, तो यहाँ का मौसम का भरोसा नहीं है, आप भी जानते होंगे गोविंद घाट में बारिश है और यहाँ पे खुला मौसम है, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं, देखें हल्की सी बारिश होगी घाट में, बट यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल धूप है, बस बादल आ रहे हैं पीछे से, अभी कवर हो रहे हैं। अस्थिर मत नहीं पाई मानस। तो भाई आज तो धूप से इतनी ज्यादा गर्मी होगी, पसीना भी आ रहा है, मतलब टोपी जैकेट वगैरह ऐसा लग रहा है उतार दे। खैर नहीं, मुझे तो गर्मी लग रही है, आपको क्या लग रहा है? नहीं मौसम ठीक है। खैर वीर जी आए हैं अपने बेटे के साथ, बेटे की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है इनकी। ठीक है जी, ठीक है, ढीला था इस बार तो पैदल चल के आए? नहीं घोड़े पे। अच्छा अच्छा, पिछली बार आए थे तो यहाँ पे आके ठंडा हो गया था, स्नान भी नहीं कर पाया था ये। अच्छा, इस बार बहुत बढ़िया मौसम है, सितंबर महीने में आए हैं, बहुत शानदार मौसम है। और यात्रा कैसी? बहुत बढ़िया यात्रा, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों के लिए सितंबर महीना बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बाकी रोड वगैरह सब कुछ ओके था। ओके है। और अभी आप टाइम से सुबह 6 बजे 7:30 बजे से पहले पहुँच गए? 6:30 बजे पहुँच गए। तो मतलब इतनी जल्दी पहुंचे हैं, नहीं तो 8, 8:30, 9 बजे से पहले। नहीं वो ना जल्दी पहुँचना भी जरूरी है, क्या होता है कभी कभी संगतें आती है आधे घंटे बाद चल जाती है, टाइम ही नहीं बच पाता है, तो आप अच्छे से 4-5 घंटे बैठे वो अच्छी बात है, बाकी मिल के अच्छा लगा पूरी फैमिली को, आपके साथ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे रही? बढ़िया रही, बढ़िया रही। तो खुश है, देखो मौसम भी बढ़िया था, गर्मी भी थी, बच्चे के लिए तो बेस्ट महीना है। थैंक यू वीर जी, मिल के अच्छा लगा, बाबा जी ऐसे ही पूरी फैमिली को बुलाते रहे, आप सभी को इसी तरह मॉडिफाई करते रहो, चल पड़ता है। थैंक यू जी, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 2 मिनट में कोहरा भी आ गया, पूरा सरोवर अभी कोहरे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मौसम ना दिन में 4-5 बार अलग अलग दिखते हैं, कभी एकदम धूप, कभी बादल, कभी कोहरा। देखो उधर से भी कोहरा आ रहा है और इधर से भी कोहरा आ रहा है, पूरा कवर हो गया। कोहरे से ना थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चली रही है इतनी तेज, तभी कोहरा उड़ रहा है, तो हवा भी चल रही है तो इससे थोड़ी ठंड हो जाती है। जो जल पर
तो भाई आज देखे गोविंद धाम से आ रखे हमारे पुलिसकर्मी तो सेवा कार्य देखने के लिए, क्योंकि भाई आने वाले हैं हमारे राज्यपाल जो गवर्नर है उत्तराखंड के, तो वो आने वाले हैं तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है देख रेख। तो बहुत अप डाउन, परसों भी आए थे आज भी आए थे, तो बहुत चलना फिरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और चलो अच्छी बात है, दर्शन भी होते रहते हैं और बाबा जी के, भगवान जी के। और सर का ना एक और मतलब यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जहाँ से आपको गांगिरा गोविंद धाम की अपडेट मिलती रहती है। चैनल का नाम सोल ऑफ देवभूमि, सोल ऑफ देवभूमि, सोल ऑफ देवभूमि है। और उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपको डाल के रख दूंगा ताकि आप पहचान पाए प्रोफाइल से। बाकी थोड़ा सपोर्ट करें यार, देखो अपने का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और हमारे मित्र हैं यहाँ पर बहुत पुराने, उनके साथ ही हमारा भी कुछ उत्थान हो जाए और आप लोगों को जरूर होगा। देखो विश्वास रखना है, मेहनत करते रहें, करते हैं दोनों चीज़ें, कार्यभार देखना और आपको अपडेट देना मौसम की, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सर, सर को सपोर्ट करें। बाकी मैं अभी स्क्रीनशॉट आपको डाल देता हूँ। ਟੋਕਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਜਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ दूसरी अरदास भी समाप्त हो चुकी है। अब संगते बाहर आ रहे हैं दरबार साहब से और रवाना होने की कोशिश करेंगे। गोविंद घाट भी जाते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ जाते हैं गोविंद धाम में। और यहाँ पे बाबा जी मिले हैं जिनके साथ मैं अभी आधे पौन घंटे से बैठा हुआ हूँ। तो भाई इनसे बातें करके मुझे दिल खुश हो गया, क्योंकि जो मुझे नहीं पता दादाजी के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि वो शायद मुझसे ज़्यादा दादाजी से मिले होंगे मेरे। तो बाबा जी कैसी यात्रा रही, हर साल आप आते हैं? बहुत अच्छी यात्रा रहती है, ऐसा बहुत बढ़िया यात्रा रही है। आए साल आते हैं बाबा नंदा सिंह से मिलते से पहले, बहुत बढ़िया बंदे थे, बहुत बढ़िया बंदे जिन्हें चंगे कदम उन्होंने इंसान से। बाकी उन्होंने हेमकुंड साहब बारे जो जा उन्होंने मैंने नॉलेज दिती है, मैं आपकी लड़ बनी भी आई, मैं संगत को भी दसदा कि इतने आह चीज़ इन्हें लेके आओ, जो सेल से जो कुछ से उन्होंने मैंने दसिया, मैं फोटो भी उन्होंने साथ खिचाई, मेरे को फोटो भी उन्होंने है जी। उनकी याद बहुत आँदी है, बहुत याद आँदी है, क्योंकि वो बहुत कुछ दसते थे, संगत को प्यार बहुत करते थी, संगत भी उन्होंने बहुत प्यार करते थे। तो बहुत प्यार मिला है, और वैसे ही आप लोग मेरे पे भी मतलब बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रखते हो। बाकी बाबा जी के बस वही वाहेगुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हर साल बुलाते रहें जब तक आप आते, मतलब जब तक मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं है। हम 87 के आते हैं, लागे डोगरी आते थे प्रकाश मतलब करा के, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे तो कई गुना ज्यादा बार बाबा जी आ चुके हैं। तो थैंक यू बाबा जी, लेने वाला भी वही है। हाँ देखो हम देखो मेन क्या है ना, विश्वास होना जरूरी है। तो मतलब विश्वास रखो ना, दिन का पता नहीं चलता कब बुला दें, बिल्कुल चले जाओ दर्शन कर दो, पता ही नहीं लगेगा मौसम। कहना बड़े कर्म वाले हैं जिहड़ा आए साल चिट्ठी पा के बुला लेंदे ने, बहुत सोहने दर्शन कर रहे करवाउंदे महाराज, बड़ी बढ़िया संगत बड़ी जुड़ी है, संगत बहुत आउंदी है नाल। इक्की बीह बंदे आए मेरे नाल, आए साल संगत बहुत आउंदी है, पहला तो बहुत बंदे आउंदे, पहला 70-80 बंदे मेरे नाल आउंदे आ, बहुत हूँ थोड़ी जी उम्र का फर्क पै गया करके। कोई बात नहीं, तो बस बाबा की उम्र में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जवान रहने चाहिए, और ऐसे ही आशीर्वाद रखे बाबा जी, मिल के बहुत अच्छा लगा। वाहिगुरु। तो रामपुर से हैं और आप लोग उत्तराखंड से ही हैं, तो देखो भाई वीर जी लोग आए हुए हैं और उनके हाथों में चोट आप देख सकते हो, प्लास्टर लगा है सिस्टर के हाथ में, थोड़ी गोविंद घाट में ही चोट लगी, उसके बावजूद भी दर्शन के लिए आए। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब ठीक है, बाबा जी ने बुलाया है दर्शन करने के लिए तो आ रखे हैं, तो कोई बात नहीं। जब भी ऐसे होते हैं छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं, घबराना नहीं है, विश्वास रखना और दर्शन करना है बाबा जी के। बाकी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, अलग अलग जगह और उत्तराखंड से आए हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डेली आपके ब्लॉग देखती हूँ, मुझे ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं डेली देखती हूँ कैसा वेदर, सब कुछ दर्शन होते डेली। हाँ जी, मैं यही बोलूँगी आपके ब्लॉग इतने अच्छे हैं और आप बहुत स्वीट हो। थैंक यू, थैंक यू। तो जी यहाँ से मोगा से आए थे फैमिली, अभी तो मैं बाबा जी के साथ वीडियो बना चुका हूँ वैसे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी गप्पे मारी है हमने दादाजी के बारे में, और पुराने टाइम में जब हम थे भी नहीं। बाकी पूरी फैमिली आई है, वीर जी आए हैं सारी, मतलब कितने टोटल हैं? हम 19 जने हैं। 19 जने हैं, तो मतलब सबकी यात्रा बढ़िया रही, परफेक्ट नहीं? देखो सभी के चेहरे में ना खुशी है, बच्चे के भी थोड़ा ठंडा लग गया अभी, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो पैदल आए सब लोग? हाँ तकरीबन 2-3 जने, जब मेरे ऐसे वो घोड़े पे, बाकी तो बाकी आप लोग पैदल।
नहीं भगवान जैसे भी बुलाए है ना, जिसको बुलाना होता आता ही है, कोई कोई तो घोड़े में भी नहीं आ पाते। फर्स्ट टाइम है, आप लोगों का ही फर्स्ट टाइम है? हाँ बाबा जी तो मेरी इससे ज्यादा बार आ चुके हैं, मेरी उम्र नहीं है उतनी बार बाबा जी आ चुके। हाँ जी हाँ जी, नहीं आपको तो ठंडा महसूस हो रहा होगा यहाँ पे थोड़ा अपने से। बाबा जी की कृपा सब ठीक है, बहुत बढ़िया नॉलेज लेंदे रहंदे सी यूट्यूब ते भी किस तरह दा हैगा किवें जाना आना सारा। नहीं देखो आप लोगों का, आप लोगों का प्यार है सपोर्ट है उस वजह से मैं यहाँ पे रह पाता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम है थोड़ा। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका भी थैंक यू। थैंक यू जी। पूरे जो है ग्रुप आया हुआ है संगतों का, जो कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट नाभा गांव से आए हुए हैं, है ना? सारे सब्सक्राइबर है, यूट्यूब देखते हैं, और सुबह हाँ बलवट्टी गलवट्टी गांव से, सॉरी। तो सुबह तो वीर जी दिखे मुझे सबसे पहले, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी पहुंचते, अभी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखो स्नान करके तो बढ़िया हो जाता है यहाँ सरोवर में, कृपा हो जाती है। और कैसे रही आप लोगों की यात्रा? बढ़िया रही, बहुत बढ़िया, दिक्कत तो नहीं हुई? आप लोग आए कैसे हो? मतलब मोटरसाइकिल से आए हो ना? अच्छा बाइक में, मतलब रोड सही है? रोड सही है, बहुत मतलब एक एक ग्रुप में आए होंगे, दो 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 बंदे करके। अच्छा 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 अच्छा, नौ मोटरसाइकिल पे 18 जाने यार। अच्छा अच्छा अच्छा, नौ मोटरसाइकिल पे 18। आप सारे एक ही गांव के हो? कोई प्रॉब्लम, हर साल आते हो? हर साल 20-22 बंदे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी कहीं भी। ये दो बंद, ये दो लड़के लंग गांव से हैं बस, ये पटियाला के पास है, पटियाला के पास, कोई बात नहीं। बाबा जी सिस्टम बने, मैं गुरुद्वारा साहिब दा साडे चुप बाबा तेग बहादुर जी दा लंग, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੱਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਉਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਉਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਜਬ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਲਾਨਾ ਹੋਗਾ ਆਪਕਾ ਏਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਲੈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਆ ਥਾ एक दिन में ही तैयारी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो वो एक कृपा है ऊपर वाले की, गुरु गोविंद सिंह जी की इतनी कृपा है। हाँ जी हाँ जी, को शरीर को कोई तकलीफ नहीं। हाँ जी हाँ जी, कहीं भी रास्ते जो होती है स्नान करके कम हो जाती है। हाँ वो स्नान करते आते ही थकान खत्म हो जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, सानू सवेरे सत्ते निशान साहब जी दर्शन हुए ने, आना हुआ उनका दर्शन करना हुआ बाबा जी का। बाकी यार मतलब खुश मिजाज और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, एनर्जी आती है। बेनती करते हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दर्शन करने आए देखो इतना भारी लड़का। देखो ऐसे मत बोलो, कोई भी आ जाता है, इसकी पैदल आए हो? 125 इसकी 122 किलो वेट है। इसकी मन की तमन्ना था भी बाबा जी मुझे बुलाएंगे पैदल, लेकिन मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा। चलो यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा। आजकल के क्या होते कि मतलब बहुत, मैं भी खुद बोल रहा हूँ कि मैं भी कभी कभी मन हो जाता है कि यार चलो घोड़े में चलते हैं, बट आपने जो प्रण लिया वो तो ऊपर वाला करवाने वाला होता है। हाँ जो प्रण लिया ऊपर वाले ने करवाया, ऊपर वाले ने कराया तो बहुत। इन्हें सभी लोग कहते थे, मैं भी कहता था, ये भी कहते थे, ये भी, कि तुम पैदल नहीं चढ़ पाओगे। देखो आज ये कृपा की वही है ना, मन रखी है मन का विश्वास है, और जैसे तैसे पहुँचाना होता है वाहेगुरु जी को, जिस दिन बुलावा होगा उस दिन कैसे भी पहुँचाएंगे। बाकी हमारी अरदास है कि आगे के लिए बाबा जी कृपा करें, अगले साल फिर आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, परमात्मा 100 किलो हो गया ना काम करके। आज भी यही अरदास करके गए, हे वाहेगुरु जी हमारी जो टीम है पिछले 17-18 सालों से यहाँ आ रही है, कुछ और नए लोग वो और भी जोड़ते रहे संगतों को अपने साथ, और सबको दर्शन कराने का मौका भी दें। साल भी हम जितनी जिंदगी है हम आते रहे, हाँ लेके भगवान ने आना, कोई नाराज ना हो, तंदुरुस्ती चढ़ती कला बख्शे सब हो जावे। सीत सिंह दे मन नु पावे
श्री गुरु गोबिंद साहिब जी दे मन नूं भावे वे। चार बज रहे हैं लेकिन अभी भी यहाँ भी काम चल ही रहा है जो धर्मशाला का है, क्योंकि 5 बजे तक काम चलता है सुबह 8 बजे से। पूरे दिन जितना जल्दी काम हो उतना बढ़िया है। और मैं भी कल उत्तराखंड के गवर्नर कल आएंगे बता रहे थे, अब देखते हैं कल आएंगे तो अच्छा लगेगा, मिलेंगे उनसे, उनको सामने देखना बहुत अलग अनुभव होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े कॉलम जाएंगे जो ये सारे हैं, देखें ये भी टूटेंगे अभी, बाकी पीछे गड्ढा काफ़ी बन गया फाउंडेशन के लिए, सब कुछ अच्छा कर दिया। बाकी यार मौसम तो बढ़िया है, देखिए कल भी मौसम साफ रहेगा तभी गवर्नर जी आ पाएंगे उत्तराखंड के, जो कि देहरादून से शायद डायरेक्टली लैंड करेंगे, जो श्री हेमकुंड साहिब का नीचे जहाँ पौड़ियों वाला रास्ता है ना वहाँ पे स्टार्ट होता है जो रास्ता, वहाँ पे जो हेलीपैड बनाया है फर्स्ट टाइम लैंड हेलीकॉप्टर वहाँ पे सक्सेसफुली करेगा, तो बहुत अच्छा यार, देखो इनोवेशन हो रही है। तो बाकी देखते हैं कल ही मिल करके जानेंगे। और भाई यहाँ पे जो डॉग हैं अपने, ठीक है ये कभी श्री हेमकुंड साहिब कभी धाम कभी गोविंदगढ़ सो ही रहते हैं भाई, इनको और के मजे, खाना खाओ सो जाओ। शाम को टाइम पे दोस्तों यहाँ पे टहलने में जो सुकून मिलता है ना बहुत ही प्यारा लगता है, सरोवर के पास, सरोवर बिल्कुल शांत और पीछे देखो कितनी अच्छी आवाज़ में हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सरोवर इतना मतलब क्रिस्टल क्लियर जो है, यहाँ पे जो सरोवर का जल है ना वो देखें, पूरे पत्थर यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगे, कुछ दूरी तक 5-7 मीटर 10 मीटर तक आपको पूरे क्लियर नज़र आ जाएंगे, उसके बाद वो देखिए इतनी अच्छी रिफ्लेक्शन है कि पूरी चोटियाँ दिख जाती है देख। और यहाँ पे फिर से बताना जो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे टिल्ट करना, देखिए यहाँ पे ऐसा मुकुट जैसा लगता है, ये आँखें लगती है, ये मूछ लगती है, जो मुकुट होता है ना ये देखें, तो ऐसे लगता है यार किसी महापुरुष की यहाँ पे उनका चेहरा बना हुआ है, देखो उल्टे में आप देखो। तो दोस्तों आज देखो लाइट तो ठीक हो गई थी, अब बल्ब फ्यूज हो गया, फिलहाल चलो मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सुनने में आया है कि जो गवर्नर जी आ रहे थे वो मे बी कल कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, हेलीकॉप्टर में आना था तो उनसे मिलने का सपना अधूरा ही रहेगा, जब भी आएंगे तब मिलाएंगे। फिलहाल इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।